दोस्तों, अगर आप रिचार्ज कराने लिए जाते हैं और आप एक महीने का प्लान लेते हैं तो आप कहते हैं कि मेरे मोबाइल पर एक महीने का रिचार्ज कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप एक महीने का रिचार्ज कराते हैं तो वहां पर आपको सिर्फ 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है। फ्रेंड्स, ये जो कंपनियां हैं इनका जो फंडा है 28 दिन की वैलिडिटी देने का, ये एक बहुत बड़ा झोल है दोस्तों। वो ऐसे कि वो आपको एक साल में अगर 12 महीने होते हैं तो आपसे एक साल में वो 13 बार रिचार्ज करवा लेते हैं, यानी कि उनके हिसाब से जो साल होता है वो 13 महीने का होगा। तो फ्रेंड्स, क्या है पूरा माजरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डेली देता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब आप रिचार्ज कराने के लिए जाते हैं, आप अपने रिटेलर से कहते हैं मेरे में एक महीने या दो महीने तीन महीने का जितना भी कराते हैं कि महीने में कि मेरा रिचार्ज कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप देखते होंगे कि वहां पर अगर आप एक महीने का कराएंगे तो आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है, दो महीने का कराएंगे तो 56 दिन की वैलिडिटी मिलेगी, तीन महीने का कराएंगे तो 84 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि महीने में वो दो दिन आपके काट देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये पूरा जो खेल होता है, वैसे अगर आप थोड़ा सा सोचिए, गौर करें कि एक साल में 12 महीने होते हैं, आपको दो दो दिन अगर कम मिल रहे हर महीने में तो आपके 24 दिन तो ऐसे ही कम हो गए। साथ में कोई महीना 31 दिन का भी होता है, यानी कुल मिला के आपको एक महीने का पूरा पूरा रिचार्ज कंपनियां आपसे ले मतलब कम देती हैं आपको। जब आप एक महीने या दो महीने मतलब कितना भी आप कराएंगे, वो आपसे 13 महीने का रिचार्ज करवाएंगे एक साल में। और दोस्तों, हम बात कर ले BSNL के बारे में। BSNL इस मामले में थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि BSNL की जो वैलिडिटी होती है, उनके अधिकतर जो प्लान आते हैं वो 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आते हैं, या उनके में 30, 60, 90 ऐसा होता है अधिकतर करके प्लान जो BSNL के होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपका VI हो गया, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये आपको एक साल में 13 महीने में आके आपसे 13 बार रिचार्ज करवा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप बता सकते हो। तो यार, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग मी।